मत बढ़िएगा, बस इसके आगे एक कदम भी मत लेना। मुझे ये खेल खेलना पड़ रहा है आपके साथ, लेकिन क्या करूं? अब जब करीब आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूं। अगर तुम मेरी फुग्गी होती ना, तो मैं ये सब कभी नहीं करता। इतना प्यार करता कि फिर तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाती। पता नहीं किस्मत क्या चाहती, इतने पास होकर भी आपसे कितनी दूर हूं। से कुछ कह नहीं सकती, आपको गले भी नहीं लगा सकती। दो मिनट के लिए क्या तुम मेरी फुकी बन सकती हो? प्लीज, बहुत दिन हो गए फुकी को गले लगाए। सिर्फ दो मिनट के लिए क्या आप मुझे अपनी फुकी समझकर गले नहीं लगा सकते? बहुत हो गई, हमें सो जाना चाहिए। छोटा क्यों है? अरे मैं मालिक हूं तेरा, मुझे देख के अपना साइज तो चेंज कर। थोड़ा बड़ा बन, थोड़ा फ्लेक्सिबल बन, तभी टिक पाएगा इस दुनिया में। पर
पता नहीं मैं इस दुनिया में टिक पाऊंगा कि नहीं। लाइफ से पैसे क्या गए, नींद ही चली गई। और इसे देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। मेरे पैसे छीन लिए तो बदले में कोई पावर ही दे देता, स्पाइडरमैन टाइप, जिससे मैं एक झटके में इसे बेड से खींचकर नीचे फ्लोर पे पटक दूं और इसका सिर नारियल की तरह फूट जाए। नहीं, अभी सुबह सुबह अच्छा सोच, कहीं ये तुझे खींच के बाहर सड़क पे ना पटक दे। तुझे बस आज कैसे भी करके इससे साइन करवाना है। साइन की क्या जरूरत है, ऐसे सोते हुए इसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता हूं तो भी काम तो हो ही जाएगा ना। लेट मी चेक कि नींद में अगर इसके फिंगर्स को टच करूं तो ये कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करूं? हाँ, ये ठीक है। गया काम। यहाँ क्या कर रही है तू? सो ये बोल प्रज्ञा, वरना ये जाग जाएंगे। तुम्हारे हाथ सॉफ्ट है। सॉफ्टी हो तुम। सॉफ्टी? ये तो सपना देख रहे हैं। खुद उठूं या इन्हें उठाऊं? नहीं नहीं, इन्हें बिना उठाए मैं खुद उठ जाती हूँ। पर कैसे? अच्छा, तो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं ना? बहुत देख लिए सपने, अब दिन में तारे मैं दिखाती हूँ इन्हें। मेरा टेडी बेयर कहाँ गया? टेडी बेयर? पास आओ, पास आओ, पास आओ। टेडी बेयर? टेडी बेयर? मैं इसका टेडी बेयर कब से बन गया? तुम्हारे तो सॉफ्ट सॉफ्ट बाल थे और इतने सारे गाल थे जिसको मैं कुचिकू करती थी। कुचिकू? कुचिकू कहाँ गए? कुचिकू? ये करने क्या वाली है? अच्छा चलो पास, चलो पास हो। मैं जानती हूँ मैं कल तुम्हारे साथ नहीं सोई ना, इसलिए तुम गुस्सा हो गए और तुम्हारे गाल और बाल सब अंदर चले गए। चल आ जाओ मेरे पास। मैं सॉरी बोल रही, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक, देखो समझो, समझो आज तो मैं तुम्हारे बाल नहीं सहला सकती ना, तो ऐसा करते तुम मेरे बाल सहला। चलो 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 आज मेरी बैर पास पास पास।
हुआ हो गई पूरी अधूरी सी दुआ तू जो गया तू ले गया संग तेरे मेरे जीने की हर वजह प्रज्ञा के साथ ये फैमिली में से कौन सा फैमिली मेंबर है? उसकी फैमिली के साइड से उसकी माँ और बहन भी उसके अगेंस्ट है, तो कौन हो सकता है? दादी तो नहीं? नहीं नहीं, दादी नहीं हो सकती। आई मीन वो तो अपने पोते के खिलाफ जा ही नहीं सकती। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उस विजय ने तो बस ऐसे ही बोल दिया होगा हमसे पैसे लेने के लिए। प्रज्ञा के साइड बस एक ही इंसान हो सकता है और वो है रोनी, उसका चमचा। और हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ बोलता रहता है, करता कुछ नहीं है। रोनी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं रही उधर, लेकिन कोई तो है जो उसके साथ है, पर कौन है और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसके साथ है और हमें पता भी नहीं चला यार? फिर तो हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। आई मीन कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए हमें। एब्सोल्युटली। तो फाइनली अब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया, राइट? एंड यू नो व्हाट, उस निखिल को लेकर तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसका क्या है, कभी मुंह उठा के कभी भी चले आता है, कहीं वो आ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम फंस जाओगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और अब जैसे भी करके भाई के साइन ले लो बस। लिसन आलिया, निखिल को ना तुम ही समझाओ, मुझे तो उसे देख के गुस्सा आता है और मैं कुछ भी उससे बात करती हूँ ना तो कभी मेरी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है, सो तुम ही उसे समझाना। ठीक है यार, निखिल को मैं समझा लूंगी, तुम बस भाई के साइन लेकर आओ। एक बार साइन ले लो तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रज्ञा को शक हो जाए कि भाई की इंटेंशंस क्या है। ओके, मैं जाके अभी से बात करती हूँ और ऐसा कुछ नाटक करती हूँ जैसे अभी प्रज्ञा से आज ही साइन करवा लूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। आखिर प्रज्ञा के साथ अगर घर में से कोई है तो कौन है? मजाक की बात और है, लेकिन आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अपनी ही बनाई लिमिट्स मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? तोड़ूंगी तो तकलीफ मुझे ही होगी। हाँ, मेरा मन करता है उनके करीब जाऊं, पर नहीं, इसके लिए मैं खुद अपने आप को इजाजत नहीं दूंगी, तब तक नहीं जब तक कि अपनी मंजिल नहीं पा लेती। दी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। कौन सी बात? वो जो कल हुआ ना उसी के बारे में। अरे आप सुनेंगी ना तो चौंक जाएंगी। क्या क्या हुआ कल? आलिया और तनु को घर के बाहर मैंने उस डेकोरेटर के साथ में देखा। इसमें चौंकने वाली क्या बात है रोनी, ये तो मुझे पहले से ही पता था। क्या ये बात आपको मालूम थी? मतलब मुझे पता था कि आलिया और तनु डेकोरेटर को पहले से जानते हैं, और ये भी जानती हूँ कि उस डेकोरेटर ने बड़ी चालाकी से अपना सारा इल्जाम इन पर डालकर खुद के साथ साथ आलिया और तनु को भी बचा लिया। वो तो है दी, मैंने ये बात सबको उस दिन बोलने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। देखो रोनी, तुम इस समय मत पढ़ो, वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम पे कोई मुसीबत आ जाए। दी, कर दिया ना आपने पराया, मैंने आपको सिर्फ वैसे बोलने के लिए बहन नहीं बोला था, मैं आपको दिल से बहन मानता हूँ इसलिए बोला है। वैसे भी इस रिश्ते में पहला हक जो होता है वो भाई का होता है, बहन की रक्षा करना और आपकी सेफ्टी करना मेरा काम नहीं है, मेरा फर्ज भी है। और वैसे भी दी, मैं आपको मुसीबत में नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच रोनी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। जब मेरे अपने रिश्तों से भरोसा उठ रहा है तो एक मुंह बोला रिश्ता मेरे काम आ रहा है। दी, आपको पता है मेरी माँ बोलती है कि रिश्ते जो होते हैं ना बनाने से नहीं निभाने से चलते हैं, और आपका कोई भी काम हो कितना भी रिस्की क्यों ना हो उसे पूरा करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपनी जान लगा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रोनी। अच्छा दी, तनु और आलिया के साथ में एक तीसरा आदमी भी था, क्या आप उसके बारे में भी जानती हैं?
उसी को ढूंढने की कोशिश में कर रही हूँ, क्योंकि वही वो आदमी है जो तनु और आलिया की हर प्लानिंग में उनकी मदद कर रहा है। तुमने देखा उसे? देखा तो था दी, लेकिन वहाँ अंधेरा बहुत था और उस आदमी की जो पीठ थी वो मेरी तरफ थी, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा। सच रोनी, तुम ये काम कर सकते हो? दी कैसी बात कर रही हैं आप, बचपन में जासूसी की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने, अब काम आएंगी ना। लेकिन ध्यान रहे, ये लोग बहुत खतरनाक है, जो भी करोगे होशियारी से करना, अपना ध्यान रखना। अरे दी, होशियार रहने की जरूरत तो उनको है, अब सिर्फ आप मेरा कमाल देखना। ऑल द बेस्ट। ये देना है और मम्मी जी ये वाला तो दे दीजिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी क्या सोच रही है, तो ये सारे कपड़े हमने दान करने हैं, रख इसे। अरे पर ये तो मेरी फेवरेट वाली ड्रेस है। ओ, फेवरेट करते करते तूने 5 ड्रेसेस रख ली हैं और दान क्या करेगी अपना सर? तो वैसे मैंने तुझे कभी ये ड्रेस पहने तो देखा नहीं है। अरे ये वाली थी ना, ये जब मैंने ली थी तब ये थोड़ी टाइट थी मुझे, पर मैंने सोचा मैं थोड़ी दुबली हो जाऊंगी ना तब पहनूंगी इसे। अच्छा अच्छा, मतलब ये कभी नहीं पहननी तूने? आपको क्या लगता है मैं कभी दुबली होंगी ही नहीं? Never. पापा जी, आप भी ना, आप किससे बात कर रहे? मम्मी जी है ये, मम्मी जी। साइज देखिए, साइज। जिन गरीबों को और जरूरतमंदों को ये दान करना है उन्हें ये कपड़े आएंगे क्या? मम्मी जी को ही पहनने दीजिए फिर। पर एक बात है, ये पहनने के काम नहीं आ सकती, लेकिन किसी दूसरे काम में तो आ सकती है ना। मेरा मतलब जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनको ये ड्रेस तो आएगी नहीं, लेकिन उनका तंबू का काम हो जाएगा। पापा जी, एक और। हाँ सुनाना। साइज देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, उन गरीबों की फैमिली में ना प्यार भी बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि इसमें तो उस फैमिली की 3 औरतें आ जाएंगी, एक साथ रहेंगी तो प्यार तो बढ़ेगा ही। हो गया आप लोगों का? हाँ हो गया मम्मी जी। अब मैं पापा जी के लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ ना। अरे तू कहाँ जा रही है, मेरी मदद करिए बांधने में, चला। How could you do this अभी? तू अपना कंट्रोल कैसे छोड़ सकता है? गेम खेलना और बात है, पर ये सब क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में? No, this is not done. तुझे अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। बस अब बहुत हो गया। उसकी फीलिंग्स के साथ साथ तू अपनी फीलिंग्स का भी मजाक बना रहा है। अब इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, रोक दे सब। अभी इतना परेशान क्यों है? ऐसे परेशान तो ये तभी होता है जब इससे कुछ काम नहीं हो पाता। कहीं से ये तो नहीं लगने लगा कि ये प्रज्ञा से साइन नहीं ले सकता? नहीं, इससे पहले कि ये कुछ सोच ले, मुझे अभी को मोटिवेट करना होगा। अभी तनु, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। अभी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। थोड़ी देर पहले मेरी आंख लग गई थी और मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि तुमने प्रज्ञा से पेपर साइन करवा लिए और तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हें मिल गई है और हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। तुमने हनीमून भी प्लान कर लिया और हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुमने एक अच्छा सा बंगलो बुक किया है। ये इतना अच्छा सपना था, मैं इतनी खुश थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये सपना खत्म ही ना हो। और सबसे ज्यादा खुश थी दादी, उन्हें उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके सारे हक वापस मिल गए। क्या वो अभी तुम ये सपना सुन के खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अभी? कहीं तुम मुझे ये तो नहीं कहने वाले थे कि तुम प्रज्ञा से पेपर साइन नहीं करवा सकते? तुम्हें कैसे बताऊं? मतलब तुम यही कहने वाले थे? नहीं बाप, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं हमारी शादी को लेके, हमारे बच्चे को लेके, यहाँ तक कि जो सपना दिखा है उसे लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अभी प्रज्ञा से आज ही साइन करवाओ, वरना कल से ना तुम मुझे देखोगे और ना ही हमारे होने वाले बच्चे को। स्टॉप इट। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं बहुत करीब भी आ गया था। किसके? प्रज्ञा के? अरे नहीं, मंजिल के। मैंने उसे अपनी बातों में उलझा लिया था। ये देखो, कभी भी हो सकता है। अगर तुम मुझ पर प्रेशर डालोगी, मुझे डेडलाइन दोगी ना, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अभी अगर तुम सच में अपनी मंजिल के इतने करीब थे तो डर क्यों रहे हो? जो कुछ भी हो,
तुम्हें प्रज्ञा से आज साइन करवाने होंगे, मतलब करवा लूंगी। मैंने कह दिया ना कि हो जाएगा, मैंने जाल बिछा लिया है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं कैसे भी करके उन पेपर्स पर उसके साइन ले लूंगा, बस तुम कोई बेवकूफी वाला काम मत करना। ठीक है।